हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल खेतेश्वर टी कंपनी में स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं संतोष राजपुरोहित, टी बिजनेस के बारे में आपसे लगातार बात करता हूं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है चाय का धंधा कैसे करें, इसके बारे में नहीं बल्कि इस बारे में कि हजारों लोग हैं जो चाय का धंधा छोड़ क्यों देते हैं। दोस्तों, यह इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। हर साल कोई ना कोई व्यक्ति आता है कि मुझे चाय बेचकर पैसा कमाना है। उसका कारण है, लोगों को पता ही नहीं है चाय के अंदर हमें कितना मार्जिन रखना है, चाय कैसे बेचनी है, चाय किस तरह से बिकेगी। कुछ लोग तो दोस्तों कुछ घाटा खाकर निकल जाते हैं, कुछ लोग ठगी के शिकार हो जाते हैं और कुछ लोगों के साथ बहुत ज़्यादा बुरा होता है। आज हम आपको इस बारे में बात करने वाले हैं। ये बताने वाले नहीं हैं कि चाय कैसे बेचनी है, क्या है चाय का धंधा कैसे, इसके बारे में, क्योंकि ये काला सच बहुत कम लोग बताते हैं। दोस्तों, क्या होता है, कोई भी व्यक्ति जिसको बिजनेस करने के बारे में ख्याल आता है तो अलग अलग बिजनेस के आइडिया देखता है और वह सोचता है कि कौन सा बिजनेस करें। चाय का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें सबसे ज्यादा पैसा तो लगेगा लेकिन मैन पावर कम लगता है। लोएस्ट अमाउंट से आप चाय का बिजनेस कर सकते हैं, मैन पावर इसके अंदर जरूरत नहीं है, ज्यादा इक्विपमेंट इसके अंदर लेने के नहीं पड़ते हैं, नॉर्मल लाइसेंस और फॉर्मेलिटी से ये धंधा शुरू कर लेते हैं। तो हर कोई सोचता है कि मुझे चाय का धंधा करना है। कुछ लोग मार्जिन के पीछे कि इतना मार्जिन में रख लूंगा, इसकी वजह से भी चाय के बिजनेस में आते हैं। और कुछ लोग आते हैं कि यह आइटम कोई और चले ना चले 12 महीने चलता है। रोज सुबह शुरुआत हजारों किलो चाय उबलने के साथ ही हिंदुस्तान में होती है, इस वजह से हर कोई चाय के धंधे में आना चाहता है। अब फेल क्यों हो जाते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, पहला पॉइंट, जानकारी नहीं होना, यह सबसे बड़ा पॉइंट है। दोस्तों, जिन लोगों को जानकारी नहीं, एकदम नए हैं, उनको अपने एरिया के बारे में पता नहीं और ऐसे लोग चाय के धंधे में आ जाते हैं तो उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। उसका कारण यह है कि अगर आपको चाय का धंधा करना है, पहला पॉइंट इस बात को नोट कर लें, चाय के धंधे की जानकारी लें। आपको कहां पर करना है उस जगह की जानकारी लें और आपके एरिया में कैसा माल बिकता है इसका सबसे पहले पता कर लें, उसके बाद ही आपको चाय का धंधा करना चाहिए। दूसरी बात करें तो दोस्तों, दूसरी बात यह है कि चाय का धंधा करने के लिए सही सप्लायर को आप चुनें। आप बायर हैं लेकिन अगर आपको सेलर सही नहीं मिला है, चाय बेचने वाला है वो आपको सही नहीं मिला है, जहां से आप चाय पहले से खरीद रहे हैं या आप खरीदने के लिए जा रहे हैं, पहले उसके बारे में कंप्लीट पता कर लीजिए किस तरह की यह लोग चाय देते हैं। चाहे आप ऑनलाइन देखकर लेते हैं, चाहे आप कहीं से भी जाकर लेते हैं, किसी होलसेलर के यहाँ से लेते हैं, मार्केट से लेते हैं, कहीं से भी लें, पहले उसके बारे में पता कर लें, इसकी रिपोर्ट कैसी है, चाय जो बेच रहा है वह चाय किस तरह की बेचेगा और आपको बता क्या रहा है और छुपा क्या रहा है। ये चाय के धंधे में सबसे जरूरी पॉइंट है कि सामने वाला आपको कितनी चीज कितनी डिटेल में जानकारी देता है, क्योंकि अगर वह आपको डिटेल में जानकारी नहीं देगा तो आपके पास भी अधूरी जानकारी आएगी और उस अधूरी जानकारी के कारण आपका ही नुकसान होगा, किसी और का नुकसान नहीं होगा। तीसरी चीज की बात करें, बेहिसाब खर्चा करना। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, चाय के धंधे में वापस पैसे इकट्ठा करने में समय लगता है। लंबे समय का इंतजार करने के बाद आपने जो रकम डाली है वह वापस आती है, इसलिए अगर आप चाय के धंधे में सबसे ज्यादा पैसा चाय खरीदने में लगाते हैं तो सबसे बड़ी जीत है, आपको दूसरे खर्चे नहीं करने चाहिए। जैसे आपने चाय खरीदा नहीं, चाय बेचने के लिए पहले आप गाड़ी खरीद कर लेकर आ जाते हैं, चाय आपने खरीदा नहीं उससे पहले आप पैकेट प्रिंटिंग करवा देते हैं, चाय के बारे में आपको जानकारी नहीं, आप अपने लिए सप्लाई करने के लिए लड़के, आप तनख्वाह पर सैलरी बेस पर लड़के रख लेते हैं, आप यह सोचते हैं कि मेहनत मुझे नहीं करनी, मेहनत लोग करेंगे और आपको कमा कर देंगे। तो दोस्तों, इस धंधे को मत कीजिए क्योंकि इसमें मेहनत है, आपको कम बजट के अंदर इस धंधे की शुरुआत करनी चाहिए। आपके पास पैसा भले ही पड़ा है लेकिन जितना कम पैसा आप लगाएंगे उतना फायदे में आप रहेंगे। तीसरी बात की बात करें तो दोस्तों, कॉस्टिंग निकालना सीखें। अगर आप चाय के धंधे में कॉस्टिंग निकालना नहीं सीखेंगे तो आप हमेशा घाटे में ही रहेंगे। कैसे, चाय का धंधा, चाय खरीदने से लेकर क्या क्या चीज आपने लगाई है, कितना आपका इन्वेस्ट हुआ है, उसके हिसाब से मार्जिन रखकर चलेंगे, उसके हिसाब से आप उस कॉस्टिंग को सही तरीके से कैलकुलेट करने के बाद, चाय के भाव निकालने के बाद उसे मार्केट में सेल करेंगे तो आपकी चाय 100% बिकेगी, अन्यथा आप कमाई से ज्यादा खर्चे कर दोगे। अगली चीज की बात करें तो जो चाय आप बेच रहे हैं उसकी आपको पहले यह जानकारी होनी चाहिए कि आप चाय को उधार में नहीं बेच रहे हैं।
लोग नए आते जाते हैं, कोई आपसे उधार में नहीं लेता है, तो दोस्तों उधार वही बेचता है जिसकी क्वालिटी हल्की होती है या जो आपको बेहिसाब पैसा लेकर आपसे चाय देता है। अगर आप कम मार्जिन में धंधा करते हैं लेकिन रोकड़ में चाय बेचते हैं तो आप इस धंधे के अंदर लंबे समय तक टिक पाएंगे और सफल होंगे। तो आप इस बात का ध्यान रखिए, उधार में चाय दोगे तो आपका पैसा मार्केट में ही अटक जाएगा और वह पैसा आपके पास नहीं आने वाला है। अगली चीज की बात करें तो आपको और क्या चाय के धंधे के कारण आपको छोड़ देना है, तो चाय के धंधे में दोस्तों पैसेंस है। जिस व्यक्ति के पास पैसेंस है, जो लंबे समय तक इंतजार कर सकता है कि उसे चाय बेचनी है लेकिन उसे इंतजार है, तो चाय का धंधा हमेशा किसी व्यक्ति को 2 साल मांगता है। अगर आपके पास इतना समय नहीं है, आप शॉर्ट टाइम में करोड़पति बनना चाहते हैं चाय के धंधे के माध्यम से, तो ये चाय का व्यवसाय, चाय का बिजनेस आपको नहीं करना चाहिए। चाय के धंधे में आपका इनपुट समय है 2 साल, उसके बाद आपकी जिंदगी आउटपुट है, इस बात को ध्यान रखें। जो चाय के धंधे में लंबे समय तक टिकता है उसे ही चाय कमाकर देती है। तो दोस्तों यह थी कुछ बातें, इसके अलावा भी काफी टॉपिक रह गए हैं जिसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अगर आप भी चाय का धंधा करने के बारे में सोच रहे हैं तो पहले उन लोगों से पूछ लें कि वह फेल क्यों हुए चाय के धंधे में, क्वालिटी मैनेजमेंट नहीं था। हाँ, कुछ लोग इस वजह से भी फेल हो जाते हैं, चाय हल्का खरीदते हैं और महंगे भावों में उस चाय को बेच देते हैं, अपने मार्जिन को बढ़ाने के चक्कर में क्वालिटी नहीं दे पाते हैं। अगर आप अपना मार्जिन बढ़ाते हैं, चाय की कॉस्ट से ज्यादा चाय को सेल करने का मार्जिन चाहते हैं, तो भी यह धंधा आपकी लायक नहीं है। तो दोस्तों हम हैं खेजेश्वर टी कंपनी, जो बात करते हैं केवल और केवल चाय के बिजनेस की। अगर आपकी भी डिमांड हो हमसे संपर्क करें, यहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर दिए गए। थैंक यू।